गांधी ने बीजेपी कार्यकर्ता को पार्टी का घोषणा पत्र थमाया। योगी का हुआ टेम्परेचर हाई। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है और सभी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी क्रम में शनिवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जब अलीगढ़ में चुनाव प्रचार कर रही थी तो एक रोचक वाक्य सामने आया। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी का सामना भाजपा समर्थकों से हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे लगा रहे थे। उन्हें देखकर प्रियंका पहले तो मुस्कुराई, उनसे हाथ मिलाया और फिर अपनी पार्टी का युवा घोषणा पत्र उन्हें सौंप दिया। बता दें कि प्रियंका अपनी गाड़ी से थोड़ा झुकी और भाजपा के झंडे लहराते और पार्टी के शीर्ष नेताओं के पक्ष में नारेबाजी के बीच राज्य में सत्ताधारी पार्टी के एक कार्यकर्ता से कहा, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। 50 वर्षीय प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर भाजपा समर्थकों का अभिवादन किया और उनका काफिला आगे बढ़ गया। आपको बता दें कि कांग्रेस युवा घोषणा पत्र, जिसे भारतीय विधान कहा जाता है, राज्य में युवाओं को एक नई दृष्टि देने का वादा करता है। पार्टी का कहना है कि युवाओं से सलाह मशवरा करने के बाद इसका मसौदा तैयार किया जाता है। कांग्रेस नेता ने पिछले महीने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था, आज यूपी में युवाओं को नौकरी पाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वे योग्य और बेरोजगार हैं। हमारा लक्ष्य उन्हें वह रोजगार दिलाने में मदद करना है जिसकी उन्हें जरूरत है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज़ डेस्क से प्रिया।